मैं एक दिन अपने कंप्यूटर पर वर्क कर रहा था, देन सडनली टेबल से माउस नीचे गिर गया। तो माउस को उठाने वाला था कि मेरा पैर गलती से माउस से टच हो गया। टच होने के बाद थोड़ा सा माउस मूव हुआ तो मैंने देखा कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर भी मूव हो रहा। उसी टाइम मेरे माइंड में आइडिया है क्यों ना एक ऐसा माउस डेवलप किया जाए जो पैर से ऑपरेट हो। जैसे जिनके पास हाथ नहीं है या हैंडीकैप लोग हैं वो कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर पाते, तो इसी आइडिया को माइंड में रखकर मैंने रिसर्च को स्टार्ट किया। इसका नेम मैंने लेग माउस रखा है बिकॉज ये पैर से ऑपरेट होता है। इसका शेप मैंने सैंडल का दिया है जिससे पैर में इजीली फिट रहे। वाओ। इसका लेफ्ट क्लिक बटन पैर की टो से, राइट क्लिक बटन फिंगर से क्लिक होता है। मैंने स्पेशली हैंडीकैप लोगों के लिए बनाया है, बट इसको हम एज अ नॉर्मल पीपल भी यूज कर सकते हैं। जैसे कभी कभी दोनों हाथ से टाइपिंग करते हैं तो माउस यूज करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसकी हेल्प से हम टाइपिंग भी कर सकते हैं और साथ में किसी फाइल फोल्डर को ओपन करना होगा तो इसकी यूज से कर सकते हैं। ओके। इसके अंदर पीसीबी सर्किट का यूज किया है जिससे एलईडी लाइट, अल्ट्रासाउंड सेंसर और क्लिक्स बटन अटैच्ड हैं। माउस के नीचे एक लेंस लगा है जिससे कर्सर इजीली मूव होता है। इसको हम एज ब्लूटूथ या यूएसबी से ऑपरेट कर सकते हैं। थोड़ा सा मुझे जैसे डिस्क्राइब करिए कि ये दिखेगा कैसे, मटेरियल क्या है, फिजिकल फॉर्मेट इसकी कैसी है। इसके नीचे एक प्लास्टिक होगा स्लीपर की तरह, उसमें फिर अंदर इसके सर्किट अटैच होगा, फिर इसके आगे पैर की टो फिंगर की जगह पर क्लिक बटन यूज होंगे। जैसे माउस में काफी वो बॉल होता है ना, तो वो भी होगा उसके नीचे? नो मैम, सेंसर यूज होगा। इंफ्रारेड? यस सर। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, तो ये माउस सिर्फ एक साइड लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड के लिए बोथ सेट हो सकता है? यस मैम, सेट हो सकता है। अच्छा, तो मेनुद्दीन आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है। तो अगर आप लैब स्टेज तक पहुंचेंगे, आप एग्जैक्टली क्या इंप्रूव करना चाहेंगे अपने इन्वेंशन के साथ? इसमें मॉडिफिकेशन करके उसको और इजी और जितना हो सके उसको और मॉडिफिकेशन करूंगा। आई बिलीव कि ये बहुत लोगों की हेल्प कर सकता है जो स्पेशली एबल्ड हैं, जिनको इसकी जरूरत है। अब इसको हम एवरीडे लाइफ में इंकल्केट कैसे होगा? अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें वो जूता या स्लीपर अलग से कैरी करना पड़ेगा। अगर वो किसी तरीके से बिल्ट इन हो सकता है वो और आसान हो जाएगा। वो फ्रिक्शन बिटवीन यूसेज एंड एवरीडे लाइफ में आना चाहिए। But you don't carry your mouse around with you when you go out. But because you keep this at home near your desktop or your laptop. But though in the sense that, for example, if you need, you're traveling out and you need to use a mouse or something like that, then so you would carry that along as an accessory. It would be like you carry a mouse. Or if it's built in. But I think this is all to be decided and seen what happens in the lab phase. It can be really worked upon if it does proceed. But thank you, Mehnudin. Thank you for coming. So all the very best. Thank you, sir.